Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर रेस्ट्रेंट मूवी के बारे में। ये कहानी स्टार्ट होती है एक यंग कपल के साथ जो एक ब्लू रंग के कार में ट्रैवल कर रहे थे। लड़के का नाम है रॉन और लड़की का डेल। वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। लड़की अंदर जाती है बिल पे करने, मगर उसके पास इनफ पैसा नहीं था तो वो शॉपकीपर पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। डेल डर जाती है। उसे और रॉन को किसी भी तरह से आज ही शहर से निकलना है जल्द से जल्द। तो वो उस आदमी को सीड्यूस करने लगती है, उसके साथ इंटीमेट होने का लालच भी दिखाती है। इससे काम बन जाता है, मगर रॉन ये सब देख लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है डेल के ऊपर और तब हमें पता चलता है वो लोग इतने टेंशन में क्यों है और उन्हें भागने की इतनी जल्दी भी क्यों है। हमें उस ब्लू कार के ट्रंक में एक आदमी की लाश दिखती है जिसे रॉन ने खून किया था। साथ में एक बंदूक भी थी, इसीलिए वो लोग भाग रहे हैं। पुलिस उनके पीछे जो है। बातों बातों में रॉन ट्रंक बंद करना भूल जाता है और इस शॉपकीपर को वो लाश दिख जाती है। एज ए रिजल्ट रॉन को मजबूरन उसे भी मारना पड़ता है उसी बंदूक से शूट करके। एक दिन के अंदर उसने दो लोगों का खून कर दिया था। टेंशन में डेल के हाथ पैर कांपने लगे थे। ऐसे एक लाश के साथ वो लोग कितने दूर जा पाएंगे, ये गाड़ी भी तो छुपाना है। फाइनली वो लोग एक प्राइवेट फार्म में जाकर शेल्टर लेते हैं, एक बहुत बड़े एरिया में एक बहुत बड़ा घर। लेकिन पूरा घर खाली पड़ा था, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। सबसे पहले रॉन उस लाश को पास वाले लेक में फेंक देता है। उसके बाद गैराज में जाकर चेक करता है कोई गाड़ी है या नहीं, फिर जाता है घर के अंदर चाबी ढूंढने। अंदर जब डेल अकेले इधर उधर भटक रही थी तो उसे एक आदमी मिलता है जिसे रॉन गन पॉइंट पे ले लेता है। पता चलता है ये एंड्रयू है, इस घर का मालिक, इस घर में अकेले ही रहता है। उसके पास से गाड़ी की चाबी तो मिल जाती है, मगर घर में कोई कैश नहीं था। तो रॉन डिसाइड करता है कि एंड्रयू उन्हें अपने गाड़ी में नॉर्थ तक छोड़ देगा। वो एंड्रयू को फोर्स करता है, डराता है, धमकाता है, मगर फिर भी एंड्रयू राजी नहीं होता। फाइनली जब रॉन उसे घसीट कर घर से बाहर ले जाता है तब वो कहता है कि वो असल में एक अगोराफोबिक है, इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकता वो। एट दी सेम टाइम रॉन और डेल की नजर पड़ती है टीवी की तरफ, जहां रॉन की फोटो दिखाई जा रही थी। लगता है उसके दोनों मर्डर्स के ही विटनेसेस थे। वो अब पुलिस के टॉप वांटेड लिस्ट में आ चुका था। पुलिस को पता है उसके साथ एक लड़की भी है, मतलब डेल, मगर उसका एग्जैक्ट चेहरा किसी ने नहीं देखा, तो डेल फिलहाल के लिए सेफ है। मगर रॉन नहीं, वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो डिसाइड करता है कि कुछ दिनों तक वो और डेल इसी घर में छुपे रहेंगे, उसके बाद मामला थोड़ा सा शांत हो जाने के बाद मौका पाकर भाग जाएंगे। मगर जाने से पहले इस एंड्रयू को भी मात देंगे, और कोई विटनेस छोड़ना नहीं चाहता था वो। लेकिन डेल उसे रोकती है, उसे और किसी का खून नहीं देखना था। उसने ऑलमोस्ट रॉन को मना ही लिया था कि एंड्रयू बीच में एक गड़बड़ कर देता है। रॉन ने उसके हाथ पैर बांध के मुंह पर टेप लगाकर लिविंग रूम में छोड़कर गया था डेल से बात करने। इस सिचुएशन का फायदा लेकर एंड्रयू किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, मे बी अपने हाउसकीपर लिली को। लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले ही रॉन उसे देख लेता है और फोन तोड़ देता है। बहुत मारता है एंड्रयू को, शायद जान से भी मार डालता, लेकिन एंड्रयू उसे एक ऑफर देता है। अगर रॉन उसे छोड़ दे तो वो उन्हें $40,000 दे सकता है इन कैश। उन्हें बस बैंक में जाकर कुछ चेक्स डालने होंगे। वहाँ काम करने वाले लोग एंड्रयू की हालत जानते हैं, वो कभी बैंक नहीं जाता, यूजुअली लिली ये काम करती है। चेक मिलते ही वो लोग एंड्रयू को कॉल करेंगे पासवर्ड के लिए, जिसे देने पर उन्हें पैसा मिल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उन्हें दो बार जाना होगा बैंक, 20K से ज्यादा एक बार में विदड्रॉ नहीं हो सकता, और ये काम करना होगा डेल को, वो भी एंड्रयू के फियांसे गैब्रियल बनकर। डेल बहुत ज्यादा डर जाती है, गैब्रियल एक हाई क्लास लेडी है, उसकी एटीट्यूड, बात करने का तरीका, चलने की स्टाइल, सब कुछ अलग है। डेल कभी भी उसके स्टेटस को कॉपी नहीं कर पाएगी, अगर उसे किसी ने पहचान लिया तो। एंड्रयू उसे अश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे बस अपने बाल ब्लीच करने होंगे और बाकी सब एंड्रयू उसे सिखा देगा। वैसे भी वो कुछ हद तक गैब्रियल की तरह ही दिखती है। फाइनली डेल मान जाती है, डिसाइड होता है कि वो कल बैंक जाएगी। लेकिन उससे पहले ही एक पुलिस वाला आता है एंड्रयू के घर रूटीन चेकअप करने, वो अकेले रहता है ना इसीलिए। मगर असल में तो वो रॉन को ही ढूंढ रहे थे। रॉन एंड्रयू के हाथ पैर खोलकर उसे गन पॉइंट पे लेकर दरवाजे पर भेजता है और एंड्रयू उस पुलिस वाले को किसी तरह समझा बुझाकर वापस कर देता है। इसके बाद एंड्रयू अपने हाउसकीपर लिली को भी कॉल करके आने से मना कर देता है।
और फिर डेल को तैयार करने लगता है। उसे गैब्रियल की फोटो दिखाता है, उसकी तरह बात करना सिखाता है, उसके कपड़े ज्वेलरीज देता है और गैब्रियल के जैसे क्लासी लेडी कैसे बिहेव करती है सब कुछ सिखाता है वो डेल को। यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं, ये डेल और एंड्रू एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो रहे थे। रॉन के पीठ पीछे डेल उसे सीड्यूस कर रही थी, जिसे एंड्रू एंजॉय भी कर रहा था, मगर वो दोनों नहीं जानते थे ये बात रॉन भी नोटिस कर रहा था। डेल के निकल जाते ही वो एंड्रू को फोर्स करता है कन्फेस करने के लिए कि उसे डेल पसंद है, वो उसे पाना चाहता है। उधर तब तक डेल बैंक में पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां रॉन का पोस्टर देखकर वो बहुत घबरा जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। हड़बड़ी में बैंक से निकलकर वो एक शॉप में घुस जाती है। वहां जो लेडी थी वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, उसे कॉम्प्लीमेंट भी देती है, तो उससे बात करके डेल को कॉन्फिडेंस मिल जाता है। वो फिर से जाती है बैंक और इस बार सब कुछ सही से कर पाती है। लेकिन उधर घर में एक और तमाशा शुरू हो चुका था। पता नहीं एंड्रू जानबूझकर रॉन को गुस्सा क्यों दिला रहा था। वो कहने लगता है कि डेल रॉन को और पसंद नहीं करती, वो उससे फेड अप हो चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त उसे छोड़कर जा सकती है। गुस्से में रॉन उसे मारने लगता है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और ठीक तभी बैंक से कॉल आता है पासवर्ड के लिए। एंड्रू को फोन रिसीव करना ही पड़ता है। वो आईडी वेरीफाई करता है और पासवर्ड दे देता है, तब जाके डेल को पैसा मिलता है। बैंक में तब एक पुलिस वाला आया था। एक लड़की इतना सारा पैसा विड्रॉ कर रही है, वो भी एंड्रू के नाम से उसके अकाउंट से, उसे शक होता है। डर तो डेल को भी लग रहा था, मगर वो जितना हो सके कोशिश कर रही थी नॉर्मल बिहेव करने की। फॉर्चुनेटली उस दिन और कुछ नहीं होता, पैसा लेकर डेल खुशी खुशी घर आ जाती है। पैसे मिलने के खुशी में रॉन तो जैसे पागल ही हो चुका था, मगर डेल इस बात से ज्यादा खुश थी कि लोग उसे सच में ही क्लासी समझ रहे थे, उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे थे। उस रात रॉन सेलिब्रेशन के मूड में था। वो एंड्रू से बात करने लगता है अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। हमें समझ आता है एंड्रू और रॉन के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। एंड्रू एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, बचपन से ही उसे कभी गरीबी का सामना करना नहीं पड़ा, उसकी अपब्रिंगिंग भी हाई क्लास सोसाइटी में हुई है, वो इनबॉर्न प्रिविलेज्ड है। जहां रॉन और डेल को लाइफ में कुछ नहीं मिला, गरीबी, ब्रोकन फैमिली, अब्यूसिव पेरेंट्स, उन्हें तो प्रॉपर एजुकेशन तक नसीब नहीं हुआ। जिंदा रहने के लिए रॉन को एक ड्रग डीलर बनना पड़ा और डेल को एक स्ट्रीट डांसर। लोगों के सामने नेकेड होकर उसे डांस करना पड़ता था हर रोज, मगर उसे एक अच्छी जिंदगी की चाहत हमेशा से ही थी। इसीलिए ही तो गैब्रियल के कपड़े, मेकअप, शूज, ये सब देखकर वो लालची हो गई थी। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन गैब्रियल बनकर कितनी खुश हुई थी वो। एंड्रू इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा था, तो वो डेल को मोल्ड करने की कोशिश करता है। उसे समझाता है जिस जिंदगी को वो पाना चाहती है वो उसे रॉन कभी नहीं दिला सकता, पैसा आने के बाद भी नहीं, क्योंकि रॉन खुद उस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, उसे कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में। एंड्रू ये तक कहता है कि रॉन उसे लेकर शहर से बाहर नहीं जा सकता, वो खुद भी फंसेगा और उसे भी फंसाएगा। डेल एंड्रू के सामने कुछ नहीं कहती, मगर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। सही तो कह रहा है वो, असल में रॉन ने जिस आदमी का खून किया है, जो वो एक स्ट्रिप क्लब का मालिक था, वही स्ट्रिप क्लब जहाँ डेल काम करती थी। रॉन ने जोई से कुछ पैसा लोन लिया था जिसे चुका नहीं पाया, बदले में डेल को उसे रेगुलर सर्विस देना पड़ता था। कल जोई ने पैसा मांगा तो रॉन वायलेंट हो गया और उसे मार डाला। भले ही वो हमेशा कहता रहता है कि वो जो ये सब कर रहा है वो डेल के लिए कर रहा है, उसे एक बेटर फ्यूचर देने के लिए, मगर असली वजह तो उसका शॉर्ट टेम्पर है। अगर वो सब कुछ ठीक करना ही चाहता था तो सिंपली लोन पे कर सकता था, खून नहीं करता उसका। उसी रात रॉन को एक पेंटिंग मिलता है, मे बी गैब्रियल का। किसी ने इस पेंटिंग को बहुत बुरी तरीके से काटा था, ऐसा लग रहा था किसी ने अपने दिल की सारी नफरत और गुस्सा इसी पर निकाल दिया था। रॉन इस पेंटिंग को ले जाकर एंड्रू को दिखाता है और उसे इंटेरोगेट करता है। तब पता चलता है गैब्रियल असल में गोल्ड डीगर है, उसने एंड्रू को चीट किया था। एंड्रू के पिता ने उसे बहुत सारा पैसा दिया था एंड्रू को छोड़ने के लिए, जिसे पाकर वो कहीं गायब हो गई और कभी नहीं लौटी इस घर में। सारी बातें सुनकर रॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है, इस घर में गैब्रियल के कपड़े, जूते सब कुछ है, तो उसके ज्वेलरीज भी तो होने चाहिए। तो वो डेल से कहता है एंड्रू को सीड्यूस करने के लिए, उसे इन ज्वेलरीज के बारे में पता लगाने के लिए, जरूरत पड़े तो वो उससे इंटीमेट भी हो सकती है।
पहले डेल राजी नहीं होती, मगर जब रॉन उसे मारने की बात करता है तो वो राजी हो जाती है। एक्चुअली वो एंड्रिया को पसंद करने लगी थी, वो उसे अच्छे से ट्रीट करता है, कम्प्लीमेंट देता है, इवन उसका ख्याल भी रखता है जो रॉन कभी नहीं करता। एक्चुअली इससे पहले उससे किसी ने इतनी रिस्पेक्टफुली बात नहीं की, तो वो जाती है उसके पास। ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता उसे, एंड्रू ऐसे ही उसे बता देता है कि वो ज्वेलरी इस बैंक के लॉकर में है, चाबी उसके पास है। इसके बाद डेल अपने खुशी से अपने मर्जी से उसके साथ इंटीमेट होती है। उसे रॉन और पसंद नहीं आ रहा था, उसका हर बात पे फोर्स करना, गाली देना, मारना, मन मर्जी करना और फिर दूसरों पे दोष डालना, उसके हर एक कमी डेल के नजर में आने लगी थी। शायद एंड्रू के बातों का असर उस पर कुछ ज्यादा ही होने लगा था, लेकिन इसके पीछे एंड्रू का क्या इरादा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट डे सेकंड चेक डालने की बारी थी, साथ में गैब्रियल के ज्वेलरीज निकालने के भी। हमें पता चलता है उस दिन जब एंड्रू और डेल इंटीमेट हुए थे, डेल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो पैसे और ज्वेलरीज लेकर भाग जाएगी, इस घर में कभी नहीं लौटेगी और जाते वक्त पुलिस को कॉल करके रॉन के बारे में इन्फॉर्म भी कर देगी। एंड्रू डेल को गैब्रियल का सिग्नेचर सिखा देता है इसी प्रॉमिस पर और उसके आईडीज भी दे देता है। डेल निकल जाती है। रॉन उसके बर्ताव से अपसेट हो रहा था, उसे डेल का बदलाव नजर आ रहा था। वो उसे बार बार याद दिलाता है कि वो डेल है, गैब्रियल नहीं, मगर उसे तो गैब्रियल ही बनना था। वो एक्सेंट फेक कर रही थी, उसका एटीट्यूड भी बदल चुका था, ये सब रॉन को इरिटेट कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे तब आता है जब डेल उसके सामने एंड्रू को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। उस दिन उसके निकल जाने के साथ साथ वो एंड्रू को चार्ज करता है। इसका क्या गारंटी है कि एंड्रू पुलिस को उनके बारे में नहीं बताएगा? उन्हें पैसा मिल चुका है तो वह एंड्रू को मार डालना ही सही रहेगा। एंड्रू कहता है वो पुलिस को बुला नहीं सकता क्योंकि उसका भी एक राज है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसने सबसे छुपाई है। पता चलता है गैब्रियल ने एंड्रू को ऐसे ही नहीं छोड़ा था, असल में एंड्रू के पिता के साथ उसका अफेयर चल रहा था, इसीलिए उनके कहने पर वो एंड्रू को छोड़कर किसी और देश में जाकर सेटल कर गई। जब एंड्रू को इस बारे में पता चला तो उसने एक गुंडे को हायर किया अपने पिता का खून करने के लिए। सब कुछ ऐसे प्लान किया गया था जिससे लगे कि ये एक एक्सीडेंट हो, हुआ भी वही, किसी को कुछ शक भी नहीं हुआ और इधर एंड्रू का भी बदला पूरा हो गया। उस गुंडे ने एंड्रू को एक फोटो भेजा था उसके पिता के लास्ट मोमेंट का, वो फोटो एंड्रू को जेल भेज सकता है। रॉन उस फोटो को देखने की मांग करता है तो एंड्रू उसे लेकर बेसमेंट में जाता है जहां उसने इस फोटो को छुपाया था और वहां गेम पलट जाता है। अचानक से ही एंड्रू लाइट बंद कर देता है और बेसमेंट से निकल के दरवाजा बंद कर देता है। किचन में जाकर एक चाकू से अपने हाथों को खोल लेता है और फिर भागने की कोशिश करता है। उधर बैंक में सारा काम कंप्लीट हो चुका था, ज्वेलरीज भी मिल चुके थे डेल को। अब उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं। मगर उसके कुछ एक्शन लेने से पहले ही पुलिस घर तक पहुंच चुकी थी। घर में तब एंड्रू और रॉन के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। दरवाजे पर पुलिस को देखकर एंड्रू को लगा जरूर डेल ने इन्हें इन्फॉर्म किया होगा, मगर ये लोग तो बैंक की तरफ से आ रहे थे सिक्योरिटी पर्पस से। मतलब डेल ने एंड्रू की बात नहीं सुनी, वो अपने प्रेमी को छोड़कर नहीं भागी। बेचारा एंड्रू फिर से इनके जाल में फंस चुका था, वो पुलिस से चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता। इस बार रॉन उसे मारने की डिसीजन ले चुका था, पैसा भी मिल चुका है और रिस्क क्यों लेना। वो उसके हाथ पैर मुंह बांध कर उसका फेस प्लास्टिक से कवर करके उसे सफोकेट करने लगता है। डेल ये सब देख नहीं पा रही थी, वो रॉन को रोकती है। तब रॉन उसे बताता है कि एंड्रू भी कोई दूध का धुला नहीं है, इसका भी एक डार्क सीक्रेट है। रॉन इन डिटेल्स सब कुछ डेल से कहता है। फिर भी डेल का मन नहीं मान रहा था, एंड्रू तो उसका भला चाहता था तो वो उसे मरने कैसे दे। यहाँ पर डेल एक बहुत ही भयानक डिसीजन लेती है, वो रॉन की ही बंदूक से उसे ही शूट करने जाती है, लेकिन उसे तो पता नहीं था बंदूक में गोली ही नहीं है। रॉन को पहले से ही डेल के लॉयल्टी पर शक हो रहा था, इसीलिए उसने बुलेट्स निकाल लिया था। अभी जब उसे सबूत मिल चुका है कि ये लड़की किसी भी वक्त उसके खिलाफ जा सकती है, तो वो डेल को भी जिंदा रखना नहीं चाहता, वो उसे भी मारता है। और जब वो बेहोश हो जाती है तब उसे एंड्रू के गाड़ी में डाल देता है। अंदर पॉइजनस गैस भर चुका था, डेल अगर वहां और कुछ मिनट्स भी रही तो उसकी मौत निश्चित है। ऐसे में सिर्फ एंड्रू ही उसे बचा सकता है। अगर वो अपने फोबिया को ओवरकम कर पाए तो उसे घर से बाहर जाकर डेल को अंदर लाना होगा। एंड्रू वही करता है।
बहुत मुश्किल से वो जा पहुंचता है गाड़ी तक, मगर दरवाजा लॉक्ड था तो वो शेड में भागता है। रॉन भी जाता है उसके पीछे पीछे। दोनों में हाथापाई होती है और इस बार एंड्रयू उस पर भारी पड़ने लगता है। वो रॉन को बहुत मारता है, मारते मारते हालत खराब कर देता है उसका, सिर्फ उसकी जान नहीं लेता। शायद यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच। इसके बाद एंड्रयू भागता है गाड़ी की तरफ। गाड़ी का कांच तोड़कर डेल को बाहर ले आता है। वो सांस नहीं ले रही थी। एंड्रयू उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देकर उसके चेस्ट पर प्रेशर डालकर बहुत मुश्किल से उसकी जान बचाता है। मगर उधर रॉन तब भी जिंदा था, तो वो फिर से एक बार एंड्रयू पर हमला कर देता है, उसे चोक करने लगता है। एंड्रयू कुछ नहीं कर पा रहा था हेल्पलेसली स्ट्रगल करने के सिवा। फॉर्चुनेटली उसी वक्त डेल का सेंस लौट आता है और वो एक नुकीले चीज से रॉन को मार डालती है। उसे भी बहुत खराब लग रहा था, वो खुद भी रो रही थी, मगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था डेल के पास। एंड्रयू उसे संभालता है, उसका फर्स्ट एड करता है, मगर वो पुलिस को बुलाना चाहता था। उसके फार्म में दो लाशें पड़ी हैं, उनका कुछ तो करना होगा, लेकिन इससे तो डेल मुसीबत में पड़ जाएगी। वो बहुत डर जाती है, अभी वो क्या करे। ठीक तभी उसे रॉन की बात याद आती है, इस एंड्रयू का भी तो एक डार्क पास्ट है। डेल अभी उसी पॉइंट को यूज करने की सोचती है, मगर पता चलता है एंड्रयू ने झूठ कहा था, उसके पिता जिंदा है, सही सलामत है। फिलहाल वो डेल को एक ही शर्त पर छोड़ सकता है, अगर वो उसके साथ रहे उसकी गैब्रियल बनकर। डेल के पास जाने की और कोई जगह नहीं थी, उसे मानना ही पड़ता है, मगर जिस जिंदगी के लिए उसने इतना सब कुछ किया, क्या वो उसे मिलेगी? शायद नहीं, क्योंकि इस घर में उसे एक साइको के साथ रहना पड़ेगा, एक प्रिजनर बनकर। हम एंड्रयू को देखते हैं गैब्रियल का पासपोर्ट जलाते हुए, मतलब उसने झूठ कहा था, गैब्रियल कहीं नहीं गई, पासपोर्ट के बिना वो देश से बाहर तो जा ही नहीं सकती, और वो कभी नहीं लौटेगी। इसका मतलब एक ही हो सकता है, एंड्रयू ने रॉन को जो कहानी सुनाई थी वो उसके पिता की नहीं गैब्रियल की थी। एंड्रयू एक खूनी है, वो कभी भी पुलिस नहीं बुलाएगा, क्योंकि शायद उसके घर के आसपास ही कहीं गैब्रियल की लाश दफन है। डेल को फंसाने के लिए उसने उससे सिंपथाइज किया और फिर उसके ही हाथों से रॉन को मार डाला, ये पूरा खेल उसका था। इस पागल को तो असल में गैब्रियल का सब्स्टिट्यूट चाहिए था, जो उसके साथ ही इस घर में कैद रहे। बेचारी डेल तो उसके जाल में फंस गई, अब पता नहीं उसे और कितने दिन इस घर में बंद रहना होगा इस पागल के साथ। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पर्सनली मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट भी है। आपको वीडियो कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।